वेलकम, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज साउथ, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। आपको बता दें कि 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं लेकिन जूनियर एनटीआर ने सिनेमा घरों में एक भी फिल्म रिलीज नहीं की है। उनकी आखिरी फिल्म अरविंदा सामथा थी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हिट रही थी। इसे त्रिविक्रम श्रीनिवास ने निर्देशित किया था। फैंस उनके कॉम्बो में एक नई फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसा कि अपेक्षित था, जूनियर एनटीआर और त्रिविक्रम श्रीनिवास ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वे पिछले साल एक नई परियोजना के लिए टीम बना रहे हैं। फिल्म जल्द ही फ्लोर पर जाएगी। फिल्म की प्रमुख शूटिंग इस साल के अंत में शुरू होगी। दरअसल खबर आ रही है कि जूनियर एनटीआर 3 अभिनेत्रियों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री का एक नाम चक्कर कर रहा है और वह और कोई नहीं बल्कि दबंग 3 की वरीना हुसैन है। वह फिल्म में दूसरी महिला मुख्य भूमिका निभाने के लिए संभावना है। अन्य 2 अभिनेत्री के नाम अभी तक पता नहीं है। इस बीच में कैरियर के मोर्चे पर जूनियर एनटीआर अगली बार RRR में दिखाई देंगे, जहां वह कोमाराम भीम की भूमिका पर निबंध करेंगे। यह राजमौली द्वारा निर्देशित और दानिया द्वारा निर्मित है। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।